Hello friends, good evening to all of you. How are you all? I hope you are very fine. And welcome to my YouTube channel Rajneemanpreet Kaur. So guys, जैसे कि आप देख सकते हैं आज हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं. मैं ऑलरेडी जो मेरी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास की वीडियोस थी उसकी जो सीरीज थी उसमें पार्ट थ्री में आपको बता चुकी हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि मेरा यहाँ कोई ये मोटो नहीं है आपको बताना है कि इस सेंटेंस को ये कहते हैं इस सेंटेंस को ये. मैं बस आपको यहाँ ये बताने वाली हूँ कि जिन सेंटेंसेस के एंड में चुका है चुकी है चुके हैं आता है. जैसे कि बच्चे खाना खा चुके हैं, रिसेस हो चुकी है, हम घर पहुंच चुके हैं, राइट. इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं हम उन्हें किस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं. तो जो इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस की वीडियोस थी उसमें पार्ट थ्री में मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव के बारे में. जैसे कि रिसेस हो चुकी है, राइट. और अगर ये हो रिसेस नहीं हो चुकी है यानी नेगेटिव, राइट. नेगेटिव के बारे में मैंने नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं उनके पार्ट फोर में बताया, सॉरी पार्ट थ्री में बताया था, राइट. लेकिन इसमें मैंने सभी को कवर किया है. मैंने उन सेंटेंसेस को भी कवर किया है जो क्या वाले होते हैं यानी इंटेरोगेटिव, राइट. जैसे कि क्या रिसेस हो चुकी है, राइट, उनको भी कवर किया है. और अगर मैं कहूँ क्या रिसेस नहीं हो चुकी है यानी इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बोथ, राइट, उनको भी कवर किया है. और उनको भी जो WH फैमिली है, WH फैमिली यानी कि रिसेस कब हुई थी. अब मैंने बोला रिसेस कब हुई थी, जो सेंटेंसेस जिनके एंड में चुका है चुकी हैं आता है हम उन्हें नॉर्मल लाइफ में जरूरी नहीं है कि एंड में चुका है चुकी हैं लगाएं. जैसे कि मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि मैं घर पहुंच गई हूँ, तो इसका मतलब क्या, मैं घर पहुंच चुकी हूँ. तो यानी जिनके एंड में गया हूँ गई हूँ आया है इस तरीके से लगता है वो भी उसी का ही हिस्सा है. अब हम कहें रिसेस कब हुई है, राइट, यानी कहने का मतलब तो ये ना रिसेस कब हो चुकी है. तो ये हमारी कॉमन सेंस है, हमने इसमें अप्लाई करनी है, राइट. तो मेरे कहने का मतलब बेसिकली इतना है कि जिन सेंटेंसेस के में ऐसा सेंस आता है कि वो काम हुए अभी 3-4 घंटे या उससे कम टाइम हुआ है, मतलब रिसेंटली हुआ है, वो जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हमने किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है. तो रिसेस कब हुई है, रिसेस क्यों हुई है, राइट. तो इस तरीके के जो है सेंटेंसेस जिन्हें हम WH कहते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ देखेंगे, ठीक है. तो चलिए बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर. ये जो रूल्स हैं मैं नहीं बताने वाली हूँ आपको क्योंकि ऑलरेडी मैंने उस वीडियो में आपको बताया था. मैं सिर्फ यहाँ पर आपको क्योंकि मेरा मोटो ये नहीं है कि मैं आपको रूल्स याद कराऊं. मेरा मोटो बस इतना है कि मैं आपको सोचना सिखाऊं इंग्लिश में सोचना कैसे है. जैसे कि आपने कहा बच्चे खाना खा चुके हैं तो उसे इंग्लिश में सोचना कैसे है. आपने अपने दिमाग में बस ये रख लेना है जहां पे भी चुका है चुकी है कि सेंस आ रही है कि काम अभी अभी हुआ है, उन सेंटेंसेस के लिए आपने हैज या हैव का प्रयोग करना होता है. सिंपली हैज या हैव का ये आपके दिमाग में होना चाहिए, राइट. और वर्ब यानी कि जो काम होता है, राइट. तो जो काम हुआ है जैसे कि यहाँ खाना खाने का काम हुआ है, खाना खा चुके हैं, तो वो जो वर्ब होता है वो थर्ड फॉर्म यूज होती है. अगर आपको थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो है उनमें प्रॉब्लम है तो मैंने थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की भी सीरीज बनाई है, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, वो आप देख सकते हैं. उसमें ऑलमोस्ट जितनी भी डेली यूज की वर्ब्स हैं वो बताई गई हैं बहुत इजी वे में. वो जो तीनों में सेम होती है जैसे कि कट कट कट, पुट पुट पुट, राइट. और वो जिनमें पहली दो सेम होती है लास्ट वाली अलग होती है, और फिर पहली अलग है बाकी दो सेम है, वो जिनमें तीनों अलग है. तो ऑलमोस्ट सारे वर्ब्स जो उसमें क्लियर हुए उन्हें एक बार देख लीजिएगा तो आपको वर्ब में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, दैट इज माई गारंटी, राइट. अब हम आगे बढ़ते हैं. तो आपको इतना क्लियर हो गया कि जिनमें एंड में, जिनके भी एंड में आपको इस तरह की सेंस आ रही है कि वो काम अभी अभी हुआ है इस तरीके से, राइट. तो वो जो है उनके लिए हमने हैज हैव का यूज करना है, थर्ड फॉर्म, ये आपको क्लियर हो गया. अब हैज किसके साथ यूज करना है, हैव किसके साथ यूज करना है, वो भी मैंने उसमें बताया था. मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ. जो जितने भी सिंगुलर होते हैं ना, जैसे कि ही शी इट, राइट, यहाँ किसी का नाम, जैसे कि राम खाना खा चुका है तो यहाँ सिंगुलर बात हो रही है ना, एक जने की बात हो रही है. राहुल खाना खा चुका है, जैस्मिन पढ़ चुकी है, राइट. तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं जिनमें सिंगुलर है उसमें हैज का यूज करते हैं. और जो प्लूरल है जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, हम खेल चुके हैं, राइट, वो जा चुके हैं, तो प्लूरल, प्लूरल यानी एक से ज्यादा, बहुवचन, तो वो वाला केस है.
तो हमने हैव यूज करना है, सो सिंपल है ना, राइट. और थर्ड फॉर्म तो सभी के साथ ही आएगी, नो कन्फ्यूजन एट ऑल. अच्छा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, मैंने हमेशा आपको बताया आई और यू जो होते हैं ना एक्सेप्शनल केस होते हैं, आई भी सिंगुलर है यू भी सिंगुलर है, मगर रूल इन में ना प्लूरल का ही लग जाता है, तो आई के साथ भी हैव लगेगा, यू के साथ भी हैव लगेगा, बाकी सभी सिंगुलर के साथ हैव लगता है. ठीक है, जस्ट कीप दिस इन योर माइंड, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट, राइट. ओके, लेट अस डिस्कस एग्जांपल्स. मैं थक चुका हूं, I have tired. I है ना तो have लग गया. थर्ड फॉर्म क्या है, tired. Tired मतलब थकना होता है ना, टायर, तो सेकेंड फॉर्म tired, थर्ड फॉर्म tired. क्या मैं थक चुका हूँ, have I tired. क्या है इंटरोगेटिव में क्या होता है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज देखी होंगी तो मैंने बताया होगा, हर केस में चाहे किसी भी तरीके का सेंटेंस हो, जब भी इंटरोगेटिव केस आता है यानी क्या वाला केस आता है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना वो आगे आ जाता है सब्जेक्ट से. ठीक है, तो have I tired, मैं थक नहीं गया हूं, अब मैं थक नहीं चुका हूं तो हम बोलते नहीं है मैं नहीं थका हूं, ऐसे ही बोलते हैं. तो इसीलिए मैंने यहां पर आपको इस तरीके से लिख के बताया कि मैं नहीं थका हूं, मैं थक नहीं गया हूं, मैं नहीं थक गया हूं, इस तरीके की लैंग्वेज हम नहीं यूज करते, बट ये आपको समझने की जरूरत है. अगर कोई कहे मैं नहीं थका हूं, तो इसका मतलब यही है कि वो काम मतलब प्रेजेंट परफेक्ट की ही बात हो रही है, मतलब वही हैज हैव का ही यूज होगा इसमें. ठीक है, आई हैव नॉट टायर्ड, क्या मैं नहीं थका हूं, हैव आई नॉट टायर्ड, मैं क्यों थका हूं, मैं क्यों थक गया हूं, why have I tired, right? तो अगर आपको WH का पता है बस तो वो लगा दीजिए आगे, और बाकी सारा इंटरोगेटिव लग जाता है कि भाई सिंगुलर सॉरी हेल्पिंग वर्ब और बाकी सब्जेक्ट वर्ब. ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तुम सो चुके हो, यू है ना तो हैव आएगा, यू हैव, थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट होता है ना, तो स्लेप्ट सोना मतलब स्लीप, सेकेंड फॉर्म स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म भी स्लेप्ट, यू हैव स्लेप्ट, क्या तुम सो चुके हो, हैव यू स्लेप्ट, तुम सो नहीं चुके हो, यू हैवंट स्लेप्ट, क्या तुम सो नहीं चुके हो, हैव यू नॉट स्लेप्ट, तुम किधर सो चुके हो, वेयर हैव यू स्लेप्ट. सिंपल है ना, किधर का मतलब क्या होता है, कहां यानी कि वेयर, राइट, तो वेयर हैव यू स्लेप्ट. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. अब थर्ड एग्जाम्पल देखिए, हम फिसल गए हैं, फिसलना मतलब स्लिप, सेकेंड फॉर्म स्लिप्ड, थर्ड फॉर्म स्लिप्ड, वी हैव स्लिप्ड, क्या हम फिसल गए हैं, Have we slipped? Plural है ना we, तो इसलिए have लग गया. हम नहीं फिसले हैं, अब हम ये तो बोलते नहीं हम नहीं फिसल चुके हैं, राइट, हम ये बोलते हैं हम नहीं फिसले हैं, राइट. तो इस तरीके से जो है वो हमें सेंस लेनी होगी, एंड वी विल अंडरस्टैंड इजिली कि क्या लगेगा फिर. वी हैवंट स्लिप्ड, क्या हम नहीं फिसले हैं, हैव वी नॉट स्लिप, हम कब फिसले हैं, कब क्या होता है, when, when have we slipped? ठीक है, वो पहुंच गया है. अच्छा when have we slipped, वही है देखिए, when लग गया और साथ में वही टैरो का रूल लग गया, have we, so simple. WH को लेकर मैं हमेशा कहती हूँ कि ज्यादातर लोग घबराते हैं बोलते वक्त WH के सेंटेंसेस, जबकि वो सबसे सिंपलेस्ट है. आपको सिर्फ पता होना चाहिए वो जो WH वर्ड है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाकी सिंपल है, बिल्कुल इंटैरो जैसा. ठीक है, वो पहुंच गया है, सबसे पहले बॉय गर्ल का देख लेते हैं, गर्ल फर्स्ट, वो पहुंच गई है, शी हैज रीच्ड, अब यहां पहुंच चुकी है तो हमने बोला नहीं है, गई है बोला है, तो सेंस तो वही है ना, तो ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है. शी हैज रीच्ड, क्या वो पहुंच गई है, हैज शी रीच्ड, वह नहीं पहुंची है, शी हैज नॉट रीच्ड, क्या वह नहीं पहुंची है, हैज शी नॉट रीच्ड, वह कैसे पहुंची है, कैसे पहुंची है मतलब कौन सा व्हीकल क्या होगा ना, हाउ हैज ही रीच्ड. ठीक है ना, अब है बॉय की बात कर लेते हैं, सिंगुलर है ना ये इसलिए हैज लग रहा है, ही हैज रीच्ड, क्या वह पहुंच गया है, हैज ही रीच्ड, वह नहीं पहुंचा है, ही हैज नॉट रीच्ड, क्या वह नहीं पहुंचा है, हैज ही नॉट रीच्ड, वह कैसे पहुंचा है, हाउ हैज ही रीच्ड. सो सिंपल गाइस, राइट. So as I always say, share them as much as possible so that others can also take benefit of it. चाहे वो housewives हों, बच्चे हों, job seekers हों, job ढूंढने वाले हों, already working हों. तो I've seen there are so many people who are seeking good teachers जो उन्हें English सिखा सकें, right? और कई बार लोग afford नहीं कर पाते हैं, चाहते हैं सीखना afford नहीं कर पाते, या फिर सीखने जाते हैं तो वो group इतने ज़्यादा ग्रुप में ज्यादा बच्चे होते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स ही नहीं पूछ पाते, तो वो वेस्टेज ऑफ मनी हो जाती है, फिर वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, है ना. तो इट्स अ काइंड ऑफ सोशल सर्विस, शेयर देम विद दोज हु आर नीडी,
जिनको जरूरत है ना उनके साथ शेयर कीजिए, और इन्हें देखते हैं तो उनकी इनकी बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग सेंटेंसेस सोचिए इस फॉर्म में। लिखने की तो स्टूडेंट्स को जरूरत है डेफिनेटली, जो लिख लिख कर प्रैक्टिस करना चाहते हैं दैट इज गुड, बट सोचिए इनको, अगर आप बोलना चाहते हैं तो इनको इंग्लिश में तरह तरह के सेंटेंसेस जो आप सोचते हैं इस तरीके के, उनको इंग्लिश में ऐसे ही माइंड में ट्रांसलेट कीजिए, क्योंकि आपको पता तो लग ही गया क्या लगना है क्या नहीं लगना रूल, राइट। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, अब मिलते हैं नए वीडियोज के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।